पत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविवार को गिरफ्तारी हुई थी। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद डीजीजीआई का बयान, करीब 212 करोड़ की संपत्ति बरामद। पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 194 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। कानपुर से 177 करोड़ और कन्नौज से 17 करोड़ कैश जब्त। पीयूष जैन के घर पर हुई रेड में 23 किलो सोना और 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल बरामद हुआ। पीयूष जैन ने घर की दीवारों और वाटर टैंक में कैविटीज बनाकर छिपा रखा था कैश और गोल्ड। बेसमेंट के बीच भी सुरंगें बनी थी। जांच के दौरान पीयूष जैन ने जीएसटी नहीं चुकाने की बात कबूली, कहा सारा पैसा माल बेचकर कमाया। इतर कारोबारी पीयूष जैन के बहाने सीएम योगी का तंज, पापियों ने लक्ष्मी जी को दीवारों में कर रखा है कैद। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा अब समझ आया बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर पलटवार किया, लिखा ये बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर है। 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेगा चुनाव आयोग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव पर मंथन। चुनाव आयोग ने वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट ली। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 26 नए केसेज आए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 167 मामले। गुजरात में ओमिक्रॉन के 24 नए मामले सामने आए। अकेले अहमदाबाद में 13 नए केसेस। गोवा में ओमिक्रॉन का मिला पहला केस। ब्रिटेन से आए बच्चे में लक्षण दिखे। नागपुर में ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज मिला। 29 साल की महिला दुबई से नागपुर लौटी थी। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 2 और केसेज आए, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। मणिपुर में मिला ओमिक्रॉन का पहला केस। तंजानिया से शख्स लौटा है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 3 केसेज आए। राज्य में ओमिक्रॉन के केसेज बढ़कर 46 हुए। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उत्तराखंड में भी लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उड़ीसा सरकार का ऐलान, प्रदेश में फिलहाल नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। राज्यों को सतर्क रहने को कहा। 60 प्लस वाले लोग दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगवा सकते हैं प्रिकॉशन डोज। दिखाना होगा कोमोबिलिटी सर्टिफिकेट। दिल्ली के स्कूलों में की जाएगी 15 से 18 साल के लोगों की वैक्सीनेशन की व्यवस्था। डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान, देश में कोरोना के 6531 नए केसेस। पिछले 24 घंटे में 7141 लोग रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 1636 नए केसेज आए। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1426 नए केसेज, 24 घंटे में 21 की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 809 लोग संक्रमित हुए, 3 लोगों की मौत हुई। पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव, सभी को घर में आइसोलेट किया गया। महाराष्ट्र में पिछले 20 दिन में कोरोना के 50% एक्टिव केसेस बढ़े। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा हुई। अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 28 और छात्र कोरोना संक्रमित। बीते एक हफ्ते में स्कूल में 82 कोरोना के केसेस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 331 लोग संक्रमित हुए। 9 जून के बाद पहली बार इतने केसेस मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से दिल्ली में अगले 2 महीने तक केसेस बढ़ेंगे। फरवरी में पीक पर होगा संक्रमण। कर्नाटक में कोरोना के 289 नए मामले आए। 24 घंटे में 4 मरीजों की जान गई। मिजोरम में 24 घंटे में 72 नए केसेज आए। एक दिन में संक्रमण दर 10.45% रही। इसराइल में कोरोना वैक्सीन के 4th डोज का ट्रायल शुरू हुआ। तीसरी डोज ले चुके 150 मेडिकल स्टाफ ने ट्रायल में हिस्सा लिया। अमित शाह की यूपी में मंगलवार को 3 रैलियां, हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में करेंगे जन विश्वास यात्रा को संबोधित। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी 300 से ज्यादा सीट और 60% से ज्यादा हासिल करेगी। वरुण गांधी का चुनावी रैलीज पर निशाना, बोले रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलीज में लाखों लोगों को बुलाना समझ से परे है। नोएडा में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। युवजन सभा के प्रदेश सचिव समेत कई बड़े नेता एमएलसी एके शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा ने कहा समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलती है बीजेपी। 2022 में फिर यूपी में बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। पंजाब में बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर और ढींडसा की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गृहमंत्री शाह के घर पर बैठक में गठबंधन पर मोहर लगी। सीट बंटवारे पर तीनों दलों के 2-2 नेताओं की कमेटी बनेगी। गजेंद्र शेखावत ने कहा तीनों दलों का साझा मैनिफेस्टो आएगा। गजेंद्र शेखावत ने साफ किया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही पंजाब में चुनाव में उतरेगी बीजेपी। परिणाम के बाद सीएम का चेहरा तय होगा। पंजाब पुलिस पर सिद्धू के विवादित बयान को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुखद बताया, कहा सम्मान पाने के लिए दूसरों का सम्मान करना होता है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी बनी, 35 में से 14 सीटें जीती। चंडीगढ़ में बीजेपी का 12 सीट पर कब्जा, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को 1 सीट मिली। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, कहा यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत। 3 जनवरी को पंजाब के मोगा जाएंगे राहुल गांधी, रैली को करेंगे संबोधित। क्रिकेटर हरभजन सिंह से इंडिया टीवी से खास बातचीत, कहा जिस दिन दिल से आवाज आई पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। हरभजन सिंह ने कहा यंग इंडिया की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हूं, किस पार्टी से जुड़ना है अभी तय नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद हरभजन सिंह का खुलासा, साल 2011 में टीम मैनेजमेंट ने बुरा बर्ताव किया था। मंगलवार को हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार, शाम 4 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। किसान संगठन द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाने पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम, मंशा राजनीति थी ना कि किसानों की बेहतरी। 22 जनवरी को आसनसोल,
चंदन नगर और सिलीगुड़ी में होंगे नगर निगम चुनाव। 25 जनवरी को काउंटिंग होगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का आरोप, चुनाव से पहले आप और टीएमसी राज्य में बैनर प्रदूषण फैला रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गोमांस वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा नाम बदलकर दिग्विजय खान रख ले। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपने घर पर भोज दिया। ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान पर सफाई दी। पीएम मोदी मंगलवार को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। खुद पीएम ने ट्वीट करके कहा शहरी क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग का काम जारी। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिरोजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल के मंडी में 11,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री ने हाइड्रो पावर प्लांट और रेणुका बांध प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा देश में चल रही दो विचारधारा, एक विलंब की दूसरी विकास की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, समाज में जहर घोलने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर बरसे राहुल गांधी। कहा गांधी जी के विचारों को कैद नहीं कर सकते। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का तंज, धर्म संसद से राहुल को दूर रखना गलत, क्या हिंदू बनान हिंदुत्व की बातें, बस जुमला थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांग्रेस और उग्रवादियों की दोस्ती पुरानी है। कवर्धा में धार्मिक झंडे को लेकर हुई हिंसा का हवाला दिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को ब्लैकमेल करने वाले 5 आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया। मोहाली कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है याचिका। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्र ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा मिशनरीज के मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया। ममता के आरोप को गृह मंत्रालय ने खारिज किया। कहा मिशनरीज के किसी खाते को मंत्रालय ने फ्रीज नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने कहा SBI ने बताया है मिशनरीज के खुद ही अपने अकाउंट को फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं। बीजेपी नेता सौमित्र खान का हमला, ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं, वो देखें कि बंगाल को उन्होंने क्या बना दिया है। जम्मू कश्मीर को रियल स्टेट के लिए खोलने पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नाराज, डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर में आफ्सपा की समीक्षा करने की जरूरत नहीं। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। अनंतनाग में CRPF के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, हमले में कोई नुकसान नहीं। नीट और PG काउंसलिंग में देरी पर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, शहीदी पार्क से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। पटना में वार्ड सचिवों का हंगामा और पत्थरबाजी, रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। झारखंड में दहेज के लिए महिला की हत्या का मामला आया सामने, घटना के बाद से पति और ससुराल वाले फरार। MP के होशंगाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर की छत पर बच्ची का शव मिला। गुवाहाटी में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान, 95 लोगों की गिरफ्तारी, लाइसेंस भी जब्त हुए। असम पुलिस की पहली महिला IG बनी वायलट बरुआ, 1 जनवरी से संभालेंगे कार्यभार। नीति आयोग के सभी स्वास्थ्य मानकों में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश, केरल पहले स्थान पर। यूपी के बिजनौर में मोबाइल दुकान में चोरी का पर्दाफाश हुआ, 2 चोरों के साथ 25 मोबाइल भी बरामद हुए। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग तस्कर की गिरफ्तारी, 8 लाख रुपए का गांजा भी बरामद। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विधान भवन में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, आदित्य ठाकरे अशोक चौहान समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में गवर्नर के अपमान का आरोप लगाया। कहा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत, 14 दिन और बढ़ी, 100 करोड़ वसूली का मामला। महाराष्ट्र के बीड़ में कॉटन मिल से 47 लाख रुपए की चोरी, किसानों को कॉटन की देनी थी कीमत। थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ACB ने एक पुलिस वाले को गिरफ्तार किया, 2,000 रुपए घूस मांगने का मामला। अफगानिस्तान में लंबी दूरी की यात्रा अकेले नहीं कर सकेंगी महिलाएं, तालिबान ने बैन लगाया। तालिबान के खिलाफ अफगान महिलाओं का प्रदर्शन जारी, शिक्षा, काम और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 296 और निफ्टी 83 अंक की उछाल के साथ बंद हुए। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 272 रन। क्रीज पर KL राहुल 122 रन और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर मौजूद हैं। अब तीसरे दिन मुकाबला होगा। Under-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया, सेमीफाइनल जीतने पर फाइनल में पाकिस्तान से हो सकती है भिड़ंत। मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन, खेल के दूसरे दिन की दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 31 रन पर 4 विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्टॉक और बॉलन ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड को बराबरी के लिए 51 रन की जरूरत। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।